ये है कोलकाता, सिटी ऑफ जॉय, आनंद का शहर, माँ दुर्गा का स्थान। यहाँ के कण कण में माँ दुर्गा का वास है और ये हैं माँ दुर्गा के परम भक्त चंद्रशेखर चैटर्जी। ठाकुरवाड़ी के जमींदार हैं ये। जमींदारी तो नहीं रही, लेकिन इन्होंने अपने पूर्वजों द्वारा शुरू की गई माँ दुर्गा की पूजा परंपरा को आज भी उसी शान से जीवित रखा है। से जाकर कहना कि शाम को 6 बजे पूजा का मुहूर्त है, सभी लोग तैयार होकर पंडाल में आ जाएं। ठाकुर माँ। ठाकुर माँ। किरे नंदू, क्या बात है? ठाकुर माँ, आपके लिए खबर लेकर आया हूँ। बोल ना। जानती हूँ तू बिना कुछ लिए मुंह तो खोलेगा ही नहीं। रुक जा। ये ले, चॉकलेट खा लेना। ठाकुर माँ बहुत अच्छे हो। अच्छा, तो ये खबर है? नहीं ठाकुर माँ, आपको पता है काकू ने सबको शाम को 6 बजे पूजा पंडाल में आने को कहा है, आप भी आ जाना। ठीक है, आ जाऊंगी। बोमा, पता नहीं ये सिंदूर कब मेरी नाक पर गिरी है। बोमा, क्या ये सच है? जिसकी नाक पर सिंदूर गिरता है उसके पति और सास उसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे नहीं पता। अरे बोमा, क्या 24 घंटे नाक देखती रहती है अपना? मैं तो तुझे प्यार करती हूँ ना बेटा। इसमें हंसने की क्या बात है? अरे बेटा, राग को रिश्ना, जल्दी से तैयार हो ले, चौंद्रो पंडाल में हम लोग की राह देख रहा है। पता है मुझे। अरे हाँ, रोकती माँ कहाँ गई? रोकते माँ, मेरी बेटी तो तैयार हो रही होगी। এখনো তৈয়ার নেই হুই তু? তৈয়ার তো হো গই, আপ ভি না। আরে বাহ, খুব সুন্দর রক্তিমা।
मेरी बेटी को किसी की नजर ना लगे। ये देखू, देखना इस साल भी ठाकुर वाली पूजा समिति को ही बेस्ट पूजा पंडाल का अवार्ड मिलेगा। अरे वो सब तो ठीक है, मगर जिसे दिखाने के लिए मुझे तुमने यहाँ बुलाया है वो कहाँ गई अप्सरा? पेशेंस देखू, पेशेंस जरा धीरज रखो, आती होगी। छोड़िए ना, क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए ना। छोड़िए ना। देखने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था, इससे सुंदर लड़कियां तो मेरे मोहल्ले में है। अरे देबू ये वो नहीं है, तू रॉन्ग नंबर डायल कर रहा है, तो इसकी बहन है कंगना, उसे देखेगा ना तो बस देखता रह जाएगा। जब चलती है ना तो खुशबुओं का झोंका उसके साथ साथ चलता है। जब वो हंसती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी मंदिर में एक साथ सैकड़ों घंटियां बज उठी। ठाकुर बाड़ी, ठाकुर बाड़ी। कंगना कहाँ है? आमी जानी ना। पार्थो को कहो कि कंगना को लेकर आए। पता नहीं कंगना अभी तक क्यों नहीं आई।
इतनी देर कहाँ हो गई? वो बाबा, मुझे मुझे तैयार होने में थोड़ी सी देर हो गई, सॉरी। तुम अपने बाबा से कुछ छुपा नहीं सकती, पता है ना? क्योंकि जब तुम झूठ बोलती हो तुम्हारी उंगलियां सच कह देती हैं। बताओ इतनी देर कहाँ थे? वो एक्चुअली बाबा, मैं माँ के लिए साड़ी खरीदने गई थी। तो हमारी अच्छी बेटी, इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? बचपन से लेकर आज तक मैंने बस इतना ही चाहा कि एक बार, बस एक बार मुझे मेरी माँ का प्यार मिल जाए। क्या इस पूजा में भी मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी? तुम तो सारे जगत की माँ हो, सबकी सुनते हो, मेरी प्रार्थना भी स्वीकार कर देना माँ। वो भी ठीक करो। देखो ना माँ, आज फिर इस सड़ी हुई ड्रेस की वजह से सबने मेरा मजाक उड़ाया। अरे तो इसमें निराश होने की क्या बात है? दिल छोटा मत कर। मैं एक काम करती हूँ, तेरे लिए इससे भी महंगी और अच्छे ड्रेसेस खरीद देती हूँ, ठीक है? लेकिन उससे मेरा आज का दिन वापस तो नहीं आएगा ना? माँ देखिए ना माँ, मैं बाजार से आपके लिए नई साड़ी खरीद कर लाई हूँ। ये कलर आपको बहुत पसंद है ना? देखिए। माशी, ये तुम रख लो। चलो बेटा, लो इसे रख लो। आशी, आपको ये पसंद है? हाँ बेटी, मुझे पसंद है और मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन तुम्हारी माँ को भी ये साड़ी बहुत पसंद आएगी और वो भी तुम्हें उतना ही प्यार करेगी जितना तुम उन्हें करती हो। अब मुस्कुरा दो। उदास होने की कोई जरूरत नहीं। डॉक्टर के कारण तुम्हारी माँ का मूड खराब है, ठीक हो जाएगा। चलो डांस कॉम्पिटिशन के लिए तैयार होना है। नहीं बाबा, इस बार मैं डांस कॉम्पिटिशन में हिस्सा नहीं लूंगी। ये क्या कह रही है तुम? तुम जानती हो ना कि ठाकुर बाड़ी के कल्चरल प्रोग्राम को देखने कितने दूर दूर से लोग आते हैं, और फिर डांस तो तुम्हारी पूजा है, तुम्हारा प्यार है। पर बाबा इस बार तुम डांस कॉम्पिटिशन में हिस्सा जरूर लोगी, तुम्हें हमारी कसम। ठीक है, मैं इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लूंगी। अरे मुस्कुरा कर कहो भाई। इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लूंगी। ये हुई ना बात। अब आपके सामने आ रही हैं इस डांस कॉम्पिटिशन की प्रबल दावेदार मिस रोक्तिमा।
रोक्तिमा भीषण भालो डांस कर ची ये कंपटीशन तो मेरी बेटी जीतेगी हाँ और अब आ रही हैं इस डांस कंपटीशन की सबसे खूबसूरत और आखिरी कलाकार मिस कंगना लेडीज एंड जेंटलमैन अब ये कंपटीशन यहीं पर खत्म होता है अब कुछ ही पलों में हमारे जजेस आपको रिजल्ट सुनाएंगे इस साल का डांस कंपटीशन बहुत टफ रहा है खास करके मिस कंगना और मिस रोक्तिमा के बीच कांटे की टक्कर रही है और अब फर्स्ट प्राइज की हकदार है मिस कंगना रहने दीजिए ना बाबा लगता है माँ जरा जल्दी में है पर आप मेरी ट्रॉफी नहीं देखेंगे ये देखिए मेरा प्राइज और पता है ये सिर्फ मुझे आपकी वजह से मिला है तुमने हमें जीत का तोहफा दिया है तो हम तुम्हें इस नेकलेस के रूप में हमारे प्यार का तोहफा देते हैं थैंक यू सो मच बाबा रोक्तिमा कहाँ है बाबा? रोक्तिमा लीजिए लीजिए मैं ही जाकर देखती हूँ रोक्तिमा रोक्तिमा अरे मेरी बात तो सुनो रोक्तिमा रोक्तिमा मेरी बात तो सुन तुम्हारा पीछा करते करते तो मेरी सांस ही फूल गई क्या है अपनी जीत में मेरे हार को लपेट कर मेरे मुंह पे तमाचा मारने आई हो नहीं रोक्तिमा ये तुम क्या कह रही हो
मैं तो बस तुम्हारे साथ अपनी खुशियां बांट खुशियां बांटने ना कंगना, तू यहाँ खुशियां बांटने नहीं, मेरे आंसुओं का मजाक उड़ाने आई हो। दूर आओ मुझसे। मुझे तो तेरे साए से भी डर लगता है। हमेशा तूने मेरे सपनों को चुराने की कोशिश की है, मेरी खुशियों को दीमक की तरह चाट गई। दुश्मन हो तुम मेरी, दुश्मन। रक्तिमा, तुम ये क्या बातें कर रही हो, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हारी अपनी बहन हूँ रक्तिमा। अच्छा, पता है कंगना, जब से मैंने अपना होश संभाला है, हमेशा हमेशा तुझसे हारती आई हूँ मैं। अगर तुम मेरी खुशी चाहती ना, तो इस साल डांस कंपटीशन में हिस्सा ना लेकर मुझे जीतने का मौका देती। लेकिन नहीं, मुझे हराने में बहुत मजा आता है ना तुझे। शर्म आती है मुझे तुझे अपनी बहन कहते हुए। रक्तिमा, ये क्या तरीका है अपनी बहन से बात करने का? ये सवाल आप कंगना से भी तो पूछ सकते हैं। ये क्या तरीका है बार बार अपनी बहन को सबके सामने नीचा दिखाना? हाँ देखो सुष्मिता, चाहे कोई भी कॉम्पिटिशन हो, जब दो कॉम्पिटिटर्स हो तो किसी एक को तो हारना ही होता है। अरे हार जीत तो हर खेल का एक हिस्सा है। ये आपके लिए होगा क्योंकि आप हमेशा कंगना की खुशी देखते हैं, उसका हंसता हुआ चेहरा देखते हैं, और मेरी बेटी रक्तिमा, उसका दर्द देखा आपने? उसकी आंखों में आंसू देखे आपने? नहीं दिखाई देते ना? झूठ है, हमने अपनी दोनों बेटियों में कभी कोई फर्क महसूस नहीं किया है। आप शायद ये फर्क महसूस नहीं करते, लेकिन लोग तो करते हैं, समाज करता है। अगर आपने और समाज ने फैसला कर लिया कंगना का साथ देने का, तो मैंने भी फैसला कर लिया कि मैं अपनी बेटी रक्तिमा का साथ दूंगी, हर कदम पर साथ दूंगी मैं। इसमें क्या कमी आप बताइए मुझे? और तुम ऐसे क्या देख रहे हैं मुझे, क्या देख रही है मुझे? तुझे क्या लगता है कि तू बहुत खूबसूरत है? तेरा ये जो चेहरा है वो चांद जैसा है। ये मत भूलो, चांद को भी कभी ना कभी ग्रहण लगता है, और एक ना एक दिन तुझे भी लगेगा। चांद को भी कभी ना कभी ग्रहण लगता है, और एक ना एक दिन तुझे।